ये है सुकेरिंग मशीन जी। इसके ऊपर नहीं है, इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से आती है टाइल और यहाँ एंटर होती है। आगे कटर लगे हुए हैं जो कि उसको पहले लंबाई के रुख उसको एज बराबर करते हैं, फिर आगे दूसरी टर्निंग आती है, प्लेट को टर्न कर देती है, यानी टाइल को टर्न करके आगे निकाल देती है, जो आगे जाके दूसरी तरफ विड्थ के रुख उसको यानी कि एज बराबर करते हैं। अब इसके हम देखते हैं मोटरें कितनी लगी हैं। तो ये इसकी शाफ्ट है और मोटरें गिनते हैं इसके अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मोटरें लगी हैं। और 8 मोटर में जो पहली मोटर है ये पूरा जोड़ा दोनों तरफ आर पार नहीं है, इधर भी नहीं है और उस तरफ भी नहीं लगी हुई मोटर, उस तरफ भी एक मोटर नहीं लगी हुई। तो ये इसके अंदर कटर लगे हुए हैं, ये हेडर है, ये मोटर है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है और ये हेडर है, आगे लगा हुआ हेडर और इसके आगे फिर हाउसिंग और आगे कटर लगा हुआ है। इसकी हर चीज़ को हम उसको नोट करेंगे, ये हमारे पास इसकी। और ये इसके साथ नहीं है, मोटर नहीं है, बाकी हेडर ठीक है, इसमें कोई रौला नहीं है। इसमें ज़्यादातर चांस ये होता है कि जाम हो जाता है। और ये इसके अंदर ये मोटर है और इसकी ये पहले है इसका। और ये एक शैम्फरिंग मशीन लगी हुई जो कि ऊपर से टाइल को शैम्फर कर देता है, या जो हम इसकी रिक्वायरमेंट हो उसको शैम्फर कर देता है। ये ऊपर नीचे करने का इसके जैक लगा हुआ है, ये शैम्फरिंग डिवाइस है। ये 2 शाफ्टें इसकी लगी हुई और आगे इसका ये मैकेनिज्म लगा हुआ है। तो ये इसकी चैनल है ऊपर लगे हुए, ये सारे आस्ते आस्ते में इसकी वर्किंग कार्ड लगे हुए हैं। और ये इसका है मशीन का BMR मेड इन इटालिया। और ये इसका इतने बार प्रेशर भी इसमें है। और ये इसका स्केरिंग एंड शैम्फरिंग मशीन इसका नाम है। और ये सारा इसका सूरत हाल है। और ये इसकी दूसरी स्पेसिफिकेशन भी इसके अंदर दी हुई है, यानी कि बाकी ये इसकी मेन शाफ्ट है और इसका दूसरा हिस्सा भी हम बताएंगे अभी एक साइड की। ये इसकी टर्निंग है, यानी एक एक इसका वेज जो है, ये इसका टर्निंग है। जब एक एक तरफ से एज उसका रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो जाता है तो यहाँ आती है टाइल, तो यहाँ से ये टर्निंग टर्नर लगा हुआ है, ये टर्नर कह रहे हैं। तो ये इसको टर्नर जो है उसको टर्न करके दूसरी तरफ गया जाएगा। पहले अगर लेंथ वाइज है तो इधर टर्न करेगा तो वेड्थ वाइज हो जाएगी, तो बकला हिस्सा दूसरी इस अगली डिवाइस में आ जाएगा, वो हिस्सा मेंटेन करेगा। यानी यूँ कह लें कि ये जो है हमारी एक नंबर है और ये हमारी दूसरी नंबर है। इसका हम देख लेते हैं, ये भी है, ये सारा बाकी इसका मैकेनिज्म है। ये कुछ चीज़ें पड़ी, इसका भी पहला हिस्सा यानी पहला सेट नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मोटरें लगी हुई हैं। और मोटर की स्पेसिफिकेशन इसकी ये है, ये तो ये इसकी 9 मोटरें लगी हैं, ये इसका सारा निज़ाम है। तो इसकी भी शार्ट है जो है ना, वो पहले वाला हिस्सा पूरा शार्ट है, यानी नहीं है, मोटर अवेलेबल नहीं है, यानी मिसिंग है कह लो, या लगाई नहीं उन्होंने, या स्पेयर लगाने के लिए है। तो ये इसका हिस्सा है। तो इसमें बाकी सारी मोटरें पूरी हैं और गियर भी पूरे हैं, हेडर यानी कि पूरे हैं, और इसकी शैम्फरिंग भी पूरी है। और इसकी जो ये मशीन है BMR, ये इसकी कंपनी है, मेड इन इटालिया। बाकी इसका ये है और इसकी यहाँ पे पट्टी नहीं लगी हुई और इसका ये सारा निज़ाम है। अब हम इसी को परली तरफ से इसका ऐसे यहाँ ख़त्म हो जाती है शैम्फरिंग, ये शैम्फरिंग है, ये बीच में कुछ लिखा हुआ है, MACCHINA चाइना। तो इसका हम दूसरी साइड से हम इसको देख लेते हैं, देख लेते हैं इसकी हम 2 नंबर मशीन के दूसरी तरफ आ गए हैं। तो इसका ये गियर बॉक्स लगा हुआ है और इसका सलामत गियर बॉक्स लगा हुआ है और इसका शैम्फरिंग करने वाली डिवाइस भी लगी हुई है। इसकी मोटरें 1, 2, 1 नंबर, 2 नंबर सलामत है, 3 नंबर मोटर तो खुली पड़ी है नीचे, लेकिन इसका जो गियर बॉक्स है वो यहाँ पे नहीं है, हेडर इसका नहीं है,
और इसके ये डिस्केंसेस हैं भी सारी नीचे पड़ी हैं। तो ये खैर हम इसको भी कवर कर लेंगे। तो एक दो तीन नंबर में सिला है, चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ है मगर पहले वाली है ही नहीं है मशीन की। इसको हम देख लेते हैं, तो ये दो नंबर हमने देख लिया, इसकी मशीन एक मिनट। अब रह गया जनाब इसका ये टर्नर है, और यहाँ पे हम आ गए नंबर वन के ऊपर आ गए। नंबर वन का जो पहला है हिस्सा मेन गियर बॉक्स इसका, वो इसकी मोटर उतर के ये पड़ी हुई है, और गियर बॉक्स का ये लगा, दोनों के ऊपर हमने वर्क करना है। गियर बॉक्स भी खोलना, मोटर भी खोलना, पहले हम उसको देख रहे हैं। उसके एक दो तीन चार पाँच छः नंबर आउट है, और सात और आठ ठीक है, नौ नंबर है ही कोई नहीं। तो हमारा यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके टोटल तीन कम है, दो तो है तीसरे है ही नहीं, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये इसका काम ये है, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ गई, बाकी और नए प्लेयर अभी और हमारे पास नहीं है।